नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। बड़े से बड़े अपराधियों को सबक सिखाने वाली पुलिस भी कोरोना के खौफ से बेबस नजर आई। नजारा कुछ ऐसा था कि देखने वालों की भीड़ लग गई और पुलिस के सामने ही एक युवक ड्रामा करता रहा। युवक ने एक कार के आगे कूद कर कहा, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोई भी छूना मत। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद का है। शहर में बेगमपुल चौराहे पर एक युवक खुद को कोरोना पॉजिटिव बताकर एक कार के आगे कूद गया। बोला कि कई बार कहने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग मेरी जांच नहीं कर रहा। सदर बाजार पुलिस ने युवक को किसी तरह समझा बुझा कर एम्बुलेंस से मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार नंगला ताशी कंकरखेड़ा निवासी एक युवक गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे बेगमपुल चौराहे पर अचानक एक कार के आगे कूद गया। कार चालक ने तुरंत ब्रेक ले लिए, जिससे वह कुचलने से बच गया। चौराहे पर तैनात पुलिस वहां पहुंची तो युवक कार के आगे ही लेट गया। पुलिसकर्मी उसे हटाने के लिए आगे बढ़े तो युवक ने चिल्लाकर कहा कि छूना मत, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। यह सुनते ही पुलिस पीछे हट गई। वहां पर मौजूद लोग भी दूर खड़े हो गए। जानकारी पर एसओ सदर विजय गुप्ता मौके पर पहुंचे और युवक से उसकी समस्या पूछी। युवक ने बताया कि उसे कोरोना के कई दिनों से लक्षण लग रहे हैं, बुखार भी है। कई बार स्वास्थ्य विभाग को फोन कर बताया, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस पर एसओ ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका इलाज तुरंत कराया जाएगा। वह कार के सामने से हटकर दूरी साइड में बैठ जाए, जिस पर युवक मान लिया। जिसके बाद एसओ ने सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर युवक को जांच और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इस मामले को लेकर बेगमपुल चौराहे पर करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों को डर था कि कहीं ये युवक किसी को पकड़ या छू न ले, लेकिन पुलिसकर्मियों इसको लेकर सतर्क रहे। SPCT डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के अनुसार पुलिस ने सतर्कता बरत कर युवक को इलाज के लिए मेडिकल भेज दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।